किसान भाइयों, ये स्वराज का 735 एफ ई ट्रैक्टर है, 3 सिलेंडर 39 एच पी के साथ में। तो भाइयों, इसका आज 7 फुट वाले रूटावेटर के साथ में फुल डेमो लेने वाले हैं। देखते हैं कि 7 फुट वाले रूटावेटर पे भाइयों ये ट्रैक्टर कैसा परफॉर्मेंस करता है। तो भाइयों, वीडियो लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी शानदार वीडियो आज की ये होने वाली है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप लोगों को ट्रैक्टर दिखा देते हैं। ये ट्रैक्टर है स्वराज 735 एफ ई, 3 सिलेंडर 39 एच पी के साथ में, और 24 किलोवाट की इसकी मैक्सिमम पी टी ओ पावर है, और 8+2 गियरबॉक्स के साथ में ट्रैक्टर है भाइयों। तो सबसे पहले आप लोगों की किसान भाइयों से बातचीत करवा देते हैं और देखते हैं कि किसान भाई का क्या कहना है इस ट्रैक्टर के बारे में, कैसा क्या परफॉर्मेंस है और कैसा क्या मेंटेनेंस वगैरह इस ट्रैक्टर का रहता है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। तो हमारे जो किसान भाई दर्शक आपको देख रहे हैं, तो उनको सबसे पहले अपना छोटा सा परिचय करवाइए, नाम वगैरह बताइए। नाम शिषपाल कुमार है। अच्छा अच्छा। और गांव वगैरह अपना कौन सा लगता है? गांव बाछेपारा। अच्छा अच्छा। जिला? लखीमपुर खीरी। अच्छा अच्छा। तो जैसे 735 एफ ई ट्रैक्टर अपना है, तो कौन सा मॉडल होगा ये? ये 16 मॉडल है। 16 मॉडल नया खरीदा था? नया है। अच्छा अच्छा। तो कितने घंटे अभी तक चल गया होगा? लगभग 3000 होगा। 3000 के आसपास। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। तो कौन कौन से एम्प्लीमेंट पे आप ट्रैक्टर को चला रहे हैं? रोटावेटर चलता है। अच्छा अच्छा। ट्राली वगैरह है। अच्छा अच्छा। और यही है। अच्छा अच्छा। मतलब खेती के सारे कुछ एम्प्लीमेंट सभी वो सभी चलाते हो। तो बात की जाए जैसे रोटावेटर की, तो रोटावेटर पे ट्रैक्टर मतलब डीजल खर्चा इसका कैसा क्या है? लगभग वही खा जाता है, 5-5.5 तक। अच्छा अच्छा। और मान के चलो हल्के लोड पर अगर ट्रैक्टर को चलाते हैं, जैसे ट्राली वगैरह पे है या अन्य खेती वाले कामों में चलाते हैं जी, तो उस पर कैसा क्या डीजल खर्चा है? वो भी ऐसे खाते हैं। अच्छा, मतलब डीजल खर्चा कोई डीजल ऐसा तो नहीं लगता है कि मतलब? नहीं नहीं नहीं। जैसे किसान भाई ज्यादातर कहते हैं कि स्वराज है ये ट्रैक्टर थोड़ा सा डीजल ज़्यादा लेता है, तो मतलब आप तो जैसा चला रहे हैं 4-5 साल आपको चलाते हुए हो गए हैं, तो अभी तक मतलब आपको ऐसा लगा कि डीजल ज़्यादा ले रहा है? डीजल हमारे लिए 5.5 लीटर खाता, ठीक खाता है। मतलब जैसा 5 लीटर का लिया तो 5 लीटर का काम करके देता है कि मतलब ज़्यादा ले जाता? नहीं है? ज़्यादा नहीं लेते। ऐसा नहीं, मतलब नहीं। जैसे आपने रोटावेटर चलाया, हैरो चलाया, तो मतलब जैसे ट्रैक्टर ने काम किया तो उतना अगर काम कर रहा है तब तो कोई बात नहीं। हाँ, और 5 लीटर का ले रहा है, काम कर रहा है 4 लीटर वाले के बराबर, 3 लीटर वाले के बराबर, तब तो अच्छी बात नहीं है। मतलब काम भी अगर कर रहा है अच्छा तब तो ठीक है। नहीं, बिल्कुल सही है, हमारे हिसाब से बिल्कुल सही है। मतलब इसके अलावा इसके पहले कोई ट्रैक्टर अभी तक आपने चलाए हैं? नहीं, आयसर था पहले, 1 सिलेंडर वाला। 1 सिलेंडर का था। अच्छा, उसके बाद में ट्रैक्टर ले लिया, उसको बेच दिए। अच्छा, मतलब स्वराज के साथ में बिल्कुल खुश हैं? बिल्कुल पसंद। अच्छा, अगर कोई गाड़ी हम लेना पसंद ही नहीं करते। अच्छा, मतलब अगर भविष्य में भी कभी चेंज भी करेंगे तो भी स्वराज ही लेंगे, स्वराज की तरफ जाएंगे। तो ऐसा क्या खासियत लगी कि जो स्वराज में है अन्य ट्रैक्टरों में नहीं है? अब पसंद अपनी अपनी फिलहाल, हमको तो अच्छा लगता है। खासियत मतलब इसकी होंगी जो ज्यादा अच्छी लगती है, जो और ट्रैक्टरों में नहीं होंगी? स्वराज में यह है कि खिंचाव बढ़िया करता है। हाँ हाँ, ट्राली वगैरह के लिए और ये सभी बातें हैं। अच्छा, बिकने में भी अच्छा था। हाँ, बिकने में ये बात तो आपकी सही है। हाँ, बिकने में मैंने जैसे आपने अभी तक 16 मॉडल बताया तो अब भी अच्छी खासी कीमत में ट्रैक्टर निकल जाएगा। बहुत जितने का आपने खरीदा होगा लगभग 1.25 लाख रुपए घटेंगे अभी तक। बस बस बस, ये 4 लाख तो भी दे रहे हैं, तो भी नहीं बेचा। हाँ, तो वही तो बता रहे हैं, इसे 5.5-5.5 का लिया होगा। हाँ, 5.5 का है। हाँ, तो क्या कुछ घटा? कुछ नहीं घटा, ये चीज़ है। मतलब मेंटेनेंस, वैसे मेंटेनेंस की अगर बात करें तो अभी तक मेंटेनेंस इसमें क्या आया, काम कुछ हुआ अभी तक? कुछ नहीं, खाली सर्विस वर्विस होती है और कुछ नहीं काम। मतलब कोई दिक्कत नहीं है? और कोई दिक्कत नहीं, कोई छोटी मोटी भी कोई प्रॉब्लम? जैसे बैटरा चेंज करवाए हैं। अच्छा अच्छा। और डीजल ही तो पड़ भी करी। अच्छा अच्छा, वो तो चीज़ ठीक है, बाकी सर्विस के अलावा कोई काम नहीं हुआ? कोई नहीं। तो थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को इसको चला के दिखा दीजिएगा अभी, तो ज़्यादा लंबे से मत ले जाइएगा, यहीं पर थोड़ा सा घुमा दीजिए 2 चक्कर केवल। तो पहले लगाएंगे पहले लो में, ठीक, फिर दूसरे लो में। तो किसान भाइयों, ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया है और लिफ्ट गिरा देना पूरी, सिंगल क्लच के साथ में भाइयों ट्रैक्टर आता है। तो भाइयों देखिएगा, खिंचाव काफ़ी ज़बरदस्त है, लिफ्ट पूरी गिरा दो, ठीक, गिरा दो दोनों। अब रेस पूरी लेके एक बार दिखा दो थोड़ा हमको। तो भाइयों पूरी रेस खिंचवा दिया, लिफ्ट पूरी गिरवा दिया, आप देखते हैं कैसा खिंचा है, क्योंकि मोड़ पे है तो मोड़ पे लोड वैसे भी ज़्यादा पड़ता है। तो भाई आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से खिंचाव कर रहा है, 735 एफ ई है भाइयों, सिंगल स्टार वाला, सादी स्टेयरिंग वाला ट्रैक्टर है, बस अभी दूसरे गियर में लगवा देंगे। हेलो, दूसरे गियर में लगा दो एक बार। अब भाइयों देखिएगा दूसरे गियर में, अब थोड़ा सा RPM ड्रॉप कर गया है, सीधा चला सीधा।
तो भाई आप देखिएगा, क्योंकि मोड़ पे ज़्यादा ताकत पड़ती है तो दूसरे गियर में ट्रैक्टर थोड़ा सा दब जाता है। बाकी थोड़ा सा आरपीएम ड्रॉप करके चल रहा है, बाकी खिंचाव काफ़ी ज़बरदस्त है देखा जाए। अब चलाओ आराम से, कोई दिक्कत ना। देखिएगा भाई ये काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से मिट्टी देख सकते हैं रोटावेटर में, इतनी जोर से फेंक रहा है। साउंड भी काफ़ी ज़बरदस्त है रोटावेटर के, बारीक भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि फेंक रहा बारीक कर रहा हो। तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से खिंचा हुआ है ट्रैक्टर का। भैया 3 सिलेंडर 39 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है और खिंचाव काफ़ी ज़बरदस्त है। देखा जाए तो रोटावेटर भी बड़ा लगा रखा है किसान भाई ने। नॉर्मली इस पर 185 सेंटीमीटर वाला होना चाहिए था और किसान ने इस पर 2 मीटर वाला लगा रखा है। तो भाइयों थोड़ा सा बड़े रोटावेटर से ये रहता है कि ट्रैक्टर पर थोड़ा सा डीजल का जो खर्च है वो बढ़ जाता है और थोड़ा सा काम तो ज़्यादा करके निकाल देता है। बाकी खिंचाव काफ़ी ज़बरदस्त है देखा जाए तो, ऐसी कोई बात नहीं है, खिंचाव काफ़ी ज़बरदस्त कर रहा है। तो भाइयों अब देखिएगा मोड़ पर ट्रैक्टर पहुंच गया है और मोड़ पे आप लोग आवाज़ सुनने की कोशिश करिएगा। तो ये देख सकते हैं मोड़ पे कैसा क्या ट्रैक्टर का साउंड है, कोई ख़ास आरपीएम ड्रॉप ट्रैक्टर ने नहीं किए और पहले लो में भाइयों चल रहा है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से। तो भाइयों आप लोग दम देखिए, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से खिंचाव कर रहा है ट्रैक्टर और काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को लगा हमको। बाकी आप लोग भी बताना कि इस ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस आप लोगों को कैसा लगा, खिंचाव कैसा लगा। बाकी ज़्यादा कुछ आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग भी स्वराज के बारे में काफ़ी कुछ जानते ही हैं। तो भाइयों आज की इस वीडियो में मैंने किसान भाई से आप लोगों की बातचीत करवाई और स्वराज 735 FI ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस दिखाया 7 फुट वाले रोटावेटर पे। तो भाइयों वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पे यदि नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।